हेलो, हाँ यहाँ पे मैंने सारा रखा हुआ है। हेलो यार, सॉरी 1500। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। आई नो आफ्टर लॉन्ग आई एम शूटिंग फाइनली लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट। आई हैव वैलिड रीजन कि मैं क्यों नहीं थी। इट वॉज लॉट गोइंग ऑन, लाइक फैमिली, पर्सनल, फिर काम रिलेटेड, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था, तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा था। और 2-3% मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेजी हो गई। वेट, आज का वीडियो और थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में है एक गिवअवे। यस, बहुत दिन बाद मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि एक रिवॉर्ड के साथ चलते है। wow! कॉन्टेस्ट के सारे रूल्स आपको एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो ज्यादा बकबक नहीं करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर गोइंग अहेड, इस चैनल का रिचुअल है। हाय गाइस, दिस इज मेघा। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आई क्रिएट कंटेंट ऑन फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, टेक। यू कैन चेक आउट माय कंटेंट्स ओवर हियर। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आप वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कर सकते हो। तो चलो पहले वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रॉम द टाइटल आपको पता चल ही गया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट H&M। ओके, नाउ कमिंग टू द वीडियो। जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग देखने वाले हो, सब कुछ मैंने एक बार में नहीं खरीद लिया है। मैंने विथ टाइम, जब सेल चल रहा था, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे चाहिए थे मैंने खरीद लिया था, बट मोस्ट ऑफ देम जब सेल चल रहा था तब मैंने लिया है। सो आई विल सजेस्ट यू द सेम, सेल के लिए वेट कर लो। मिंत्रा में अभी भी चल रहा है, H&M में भी सेल चल रहा है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से मैं खरीद रही थी एंड फाइनली सोचा कि H&M से स्टार्ट करती हूँ। सो कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वेरी क्यूट टॉप। इसको आप बहुत सारी वेज में स्टाइल कर सकते हो। यू कैन सी फीलिंग ऑल राइटी। ये आई एम फीलिंग ऑल राइटी आफ्टर लॉन्ग। कलर इज वेरी प्रिटी। यू आर अ पर्सन, स्पेशली जेंजीज, जिनको ये सारे टॉप्स बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो अ पर्सन, आई ऑलवेज, इफ यू सी मी, मैं बेसिक्स में ही घूमते रहती हूँ। स्ट्राइप वाला है ये, बहुत ही क्लासी एंड वन ऑफ योर वार्डरोब बेसिक में भी आता है ये। इसको अगर आप अपने वार्डरोब में रखोगे, यू कैन पेयर इट विथ योर डेनिम, यू कैन पेयर इट विथ योर ट्राउजर, विथ योर स्कर्ट। आई लव बॉडी सूट्स। मुझे नहीं पता, लोगों को, कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बिकॉज दे फिट सो वेल। बॉडी हगिंग है, बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाता है, एंड वो बल्च जो यहाँ पे जब भी मैं टक इन करूँ वो अगर आ जाता है, आई डो नॉट लाइक दैट। ऑल्सो इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं था। ये मुझे 799, अगेन आई थिंक ये 650 या 600 का अराउंड मुझे पड़ा है। नेक्स्ट वेकेशन है मेरा, तो वहां पे भी मैं शॉर्ट्स के साथ पहन सकती हूँ जैसा मैंने पहना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट अनदर बेसिक, अगेन अ वेरी क्यूट एंड मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही बेसिक ये क्यूट टॉप है, जिसको आप कभी भी कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, पहन के सो भी सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉप, मैं वही सब दिखा रही हूँ जो अफोर्डेबल है। आई नो जब H&M एंड ज़ारा का बात आता है, पीपल थिंक कि इसका कौन सा साइड है इस टॉप का। हाँ, पीपल थिंक कि मेरे पास टाइम भी नहीं था कि इसको मैं सीधा करूँ, मैं ऐसे ही आ गई हूँ हॉल में। आई नो दे थिंक कि वो थोड़ा सा प्राइसियर साइड में है, बट H&M नाउडेज ज़ारा इज प्राइसी। वो कभी कभी ओवर प्राइस्ड भी मुझे लगता है, बट H&M के पास अभी बहुत ऑप्शंस है। दिस अ वेरी क्यूट, येट आपको अगर बहुत ही फेमिनिन, बहुत ही वो क्यूट वाले वाइट टॉप्स पसंद है, देन दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट इज दिस, जैसे कि मैंने बताया, वी आर प्लानिंग, वी मतलब मी, माई सिस्टर, माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर प्लानिंग आवर नेक्स्ट वेकेशन समवेयर, जो आपको नेक्स्ट मंथ होपफुली पता चल जाएगा। सो आई गॉट दिस बिकिनी टॉप फॉर दैट। आई डो नॉट वेयर प्रॉपर बिकिनीज, आई वेयर लाइक बिकिनी टॉप्स एंड नीचे मैं स्कर्ट या फिर शॉर्ट्स पहनती हूँ। जो लोग पहनते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट मैं नहीं पहन सकती, मुझे आई डो नॉट फील कम्फर्टेबल वेयरिंग देम। सो आई गॉट दिस वेरी प्रिटी ब्लू बिकिनी टॉप, इट्स अ पैडेड वन। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, गो फॉर पैडेड वन। टॉप्स को पहले खत्म कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो और मेरे पास अगर मैं H&M टॉप्स दिखाने जाऊंगी ना, आई शुड नॉट। लोग घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मैं कपड़े खरीद रही हूँ, क्या
क्या होगा मेरा। ओके द नेक्स्ट स्टॉप इज अ वेरी, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे हमेशा बेसिक, बहुत ही बेसिक कलर्स में बहुत ही सटल टॉप्स पसंद है, तो समटाइम्स आई एम फीलिंग कि मुझे अपने वार्डरोब में कलर ऐड कर लेना चाहिए, प्रिंट्स ऐड कर लेना चाहिए, तो तब मैं ये सब खरीदती हूँ। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने स्टाइल किया था विद अ पर्पल ट्राउजर, इट वॉज लुकिंग वेरी क्यूट, सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड ये मैंने कहाँ से लिया है, दिस फ्रॉम H&M, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी प्रिटी समरी टॉप। नेक्स्ट आई गॉट दिस व्हाइट टॉप अगेन, यस मेरे वार्डरोब में आपको व्हाइट, ब्लैक और बेज ये सब कलर ही ज्यादा दिखेंगे। अभी प्राइस क्या है, अच्छा आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन फॉर दिस टॉप 1500, वेट मैंने नहीं खरीदा है 1500, देखिए ये टॉप मैं नहीं खरीदूंगी, मेरा हार्ड अर्न मनी है, मैं ऐसे नहीं वेस्ट कर, मुझे लगता है ये मैंने ना ये 50% में ऑफ रहा होगा, अराउंड 700-800 मैंने दिया होगा। मूविंग फेवरेट कैटेगरी, यस ब्लेजर्स, लव ब्लेजर्स, मेरे पास कितने हैं 20 मिनिमम होगा, मुझे शर्म भी नहीं आ रहा है बोलने में। आई थिंक अगर आप ब्लेजर खरीद रहे हो ना, आपको हमेशा यही सारा कलर लेना चाहिए, इधर गो फॉर व्हाइट और ब्लैक, अदरवाइज बेज, ऑलिव। एंड ब्लेजर जब भी आप खरीदते हो, ओवरसाइज खरीदो, आप थोड़ा सा बैगी होगा तभी वो ज्यादा फैशनेबल लगता है। कैसे बिहेव कर रही हूँ दिस ड्रेस, मैंने सोचा जैसे कि मैं बोली कि मेरे पास ना इसको जिप करने का भी टाइम नहीं था, शूटिंग आज टोटल 4 वीडियोस, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। दिस ड्रेस, दिस इज अ कॉटन ड्रेस, डेफिनेटली अ वेरी क्यूट समरी ड्रेस, जो मैंने नहीं खरीदा है, मेरी बहन मुझे बर्थडे में दी है, बट इट्स फ्रॉम H&M, मुझे लगा H&M हॉल बना रही तो इसको क्यों नहीं इंक्लूड करो, प्रिंट भी बहुत ही ट्रेंडी क्लासी है, यू कैन जस्ट पेयर इट विद योर फ्लैट प्लेटफॉर्म हील्स। थैंक यू बहना, दिस बार बार जिप करूंगी, इस बार छोड़ ही दो मुझे, मैं थोड़ा सा भी तैयार होके नहीं आई हूँ सोफिस्टिकेटेडली, मैं ऐसे ही आ गई हूँ इस बार। नेक्स्ट आई गॉट दिस शॉर्ट्स, लिनन शॉर्ट्स, मैं जनरली आई एम नॉट अ शॉर्ट्स पर्सन, आई डू नॉट वेयर, मेरे पास गिन चुन के 4-5 ही होगा, क्योंकि मैं खरीदती हूँ वो वेस्ट हो जाता था, उसके बाद से मैंने अपना पैसा वेस्ट करना बंद कर दिया, बिकॉज आई एम अ पियर शेप्ड पर्सन, तो मुझे लगता है मेरे थाइस थोड़े से हैवी है, तो मेरे मुझे मतलब मुझे लोगों का नहीं पता, मुझे अपने आप में वो अच्छा नहीं लगता है, मेरे जैसा अनकंफर्टेबल हो जनरली डेनिम शॉर्ट्स पहनने के लिए, यू कैन गो फॉर लिनन शॉर्ट्स। आई विल सजेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है, डू नॉट गो फॉर बॉडी टाइप्स, अगर आपको मन है गो फॉर एनीथिंग, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर स्टाइल, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट, बट आई एम अ पर्सन, मैं थोड़ा सा सोच के पहनती हूँ, और इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है। ओके नेक्स्ट कमिंग टू द बेसिक्स, क्रॉप्ड टी शर्ट काइंड ऑफ अ टॉप, ये और ये मैंने मैच करके ही लिया है, स्पेशली आप अगर मेरा ट्रैवल वाला फोटोज देखोगे, सो मैं जिम जाती हूँ ये सब पहन के, आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ही टाइट कुछ पहन के जिम में जाएगी, ये दोनों सेल में ही था तो उस टाइम पे मैंने लिया था, बेसिक है बट ये बहुत ही ट्रेंडी है, इसको आप अगर सही से स्टाइल कर पाओगे, पीपल विल आस्क यू अबाउट योर एयरपोर्ट लुक्स, यस आई एम अ पर्सन, आई लव क्रिएटिंग एयरपोर्ट लुक्स, आप मुझे कभी भी एयरपोर्ट में जनरली नहीं देखोगे, मैं पूरा प्लान करके ही पहन के जाती हूँ, आई थिंक पीपल शुड डू दैट। ओके हम लोग हॉल के एंड के तरफ आ गए हैं, अगर आपने अभी तक मुझे क्या मैंने नहीं खोला जाओ जाकर फॉलो कर लो मुझे, आई गॉट दिस वेरी क्यूट हेयर बैंड, बहुत ही क्यूट है ना, इसका प्राइस है 699, व्हाट इसको 450 आई गेस, 600 में मैंने नहीं खरीदा। ये जो टॉप मैंने पहना है ये भी H&M से है, इनकेस अगर आपको जानना है तो। लास्ट वाले सेगमेंट पे आ चुके हैं एंड हम बात करेंगे बैग्स के बारे में, द रिसेंट वन आई गॉट फ्रॉम H&M, द क्रॉस बॉडी बैग, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत दिन बाद बोलूँ तो कुछ भी बोलूंगी, दिस इज अ क्रॉस बॉडी बैग, मेरे पास बहुत सारे हैं बट ये कलर में नहीं था, एंड आई लव दिस काइंड ऑफ जो बहुत सारे पॉकेट वाला होता है, मेरे हिसाब से बहुत ट्रेंडी है, आपको क्या लगता है लेट मी नो, दिस इज फॉर 1500 बट ये भी मुझे सेल में ही मिला है, गॉट इट फॉर 1200 और 1100, दिस इज अ प्रिटी गुड डील, और काफी स्पेसियस है, एंड अगेन वी हैव सो मेनी पॉकेट्स, तो हमारे पास बहुत सारे सामान है, हमारे पास बहुत सारे सामान भी होते हो तो आप आराम से इसमें रख सकते हो। नेक्स्ट जो बैग होगा पूरा ऑपोजिट होगा इसके,
इसमें कुछ नहीं रख सकते, इसलिए मुझे भी लग रहा है हम लोग क्यों खरीदते हैं इसको, वो भी कितना कितना पैसा खर्चा करके। मैंने बोलना ही भूल गया, दिस अ वेरी क्यूट रेड बैग। ये जनरली मैं स्टाइलिंग पर्पस में यूज करती हूँ, कभी कभी इवेंट अटेंड करती हूँ जहाँ पे थीम रेड है। इसमें एटलीस्ट उससे बड़ा है, इसमें सामान आ जाता है। दिस अ वेरी क्यूट बैग। जैसे कि मैंने बोला कि मैं ब्लैक, व्हाइट या फिर बेज या फिर ब्राउन में बैग्स रखना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मुझे अपने बैग के कलेक्शन में थोड़े से कलर्स ऐड करने थे, तो मैंने ये ले लिया। दैट वॉज इट, ये था आज का वीडियो। मैंने बहुत ज्यादा बकबक किया है क्या? किया भी है तो उसके बीच में मैंने बहुत सारे अच्छे बात भी किए हैं। आई रियली होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड फाइनली हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। दिस इज टाइम फॉर द कॉन्टेस्ट / गिव अवे। रूल्स बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, वो मैंडेटरी है डेफिनेटली। जिसने ज्यादा मेहनत किया है आई एम गोइंग टू पिक हर और हिम। वो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड। बाय।